अपनी निजी मंशा और निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और अपने घर तक का रास्ता खुद की मर्जी से बनाने के लिए जो सरपंच पुत्र है वह अपने उसी सरकारी नाले में से रास्ता निकाल रहा है। अगर उनके अंदर दम है तो ये साबित करें कि दिनेश कहाँ बिक रहा है, क्या कर रहा है। मैं साबित कर सकता हूँ कि कौन कहाँ बिकता है। अरे ने तोड़ दियो या मोल लो तो बहु गुसार हुई। निर्माण कार्य अगर कोई रिकॉर्डेड रास्ते का दुरुस्तीकरण का है तो वो ग्राम पंचायत कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई नदी नाला का जो भाग है उसमें कोई इसी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं कर सकती है। गत कुछ दिनों से कृष्णा महाविद्यालय के पास 1851 खसरा नंबर बताया जा रहा है उसको लेकर काफी समय से ग्राम पंचायत के द्वारा वहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा था। मौके पर ग्रामीणों की शिकायत के बाद मौके पर SDM और तहसीलदार भी पहुंचे, कार्य को स्थगित करवाया, लेकिन लगातार ग्रामीण SDM साहब को ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं और ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो रुकने को तैयार नहीं है। अभी कुछ ग्रामीण हैं जो आज ज्ञापन वगैरह दिए हैं और SDM कार्यालय यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ उपसरपंच आकाश अग्रवाल जी से जानना चाहूंगा, उपसरपंच साहब पूरा मामला है वो क्या है, एक बार पूरा विस्तार से बताएं। सर जैसा कि आपने बताया कि ग्राम पंचायत नारायणपुर के अंदर श्री कृष्णा महाविद्यालय है, उसके बगल में से एक नाला जा रहा है जो कि सरकारी नाला है, आज का नहीं है, कोई पहले से ही बना हुआ है। उस नाले में एनिकट भी बनाया हुआ था अकाल राहत स्कीम के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा। वो एनिकट बनाने का कारण भी ये था कि आसपास के जो जल भराव क्षेत्र है वो बढ़े, जल स्तर बढ़े, और जो उसके यानी एनिकट के लगभग 100-200 किलोमीटर दूरी पे ही पक्की आबादी रहती है जहाँ पे लोग रहन वसन करते हैं, तो उनको बचाना भी कि भविष्य में बाढ़ वगैरह या पहाड़ी का जो भी पानी आता है उससे बचाने के लिए वो एनिकट बनाया गया था। लेकिन अपनी निजी मंशा और निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और अपने घर तक का रास्ता खुद की मर्जी से बनाने के लिए जो सरपंच पुत्र है वह अपने उसी सरकारी नाले में से रास्ता निकाल रहा है। यहाँ तक कि एनिकट को भी नहीं छोड़ा, जो सरकारी एनिकट है, सरकारी पैसे से बना हुआ एनिकट, उसको तोड़ के और उसके ऊपर से रोड निकाला जा रहा है। अभी अगले 1-2 महीने के अंदर बारिश का मौसम चालू होने वाला है, उसके अंदर आपको यह साफ साफ दिखाई देगा कि यह कितनी बड़ी हानि है हमारे क्षेत्र के लिए। वहाँ के एनिकट से के पास बड़ायों का मोहल्ला, डाकोतों का मोहल्ला और गोमती नाला, ये सारे जगह हैं जहाँ पे बाढ़ आने की और यदि अतिवृष्टि होती है तो बाढ़ आने की पूरी आशंका रहेगी, जिससे वहाँ के जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और यह जो रोड रहेगा वह भी बारिश के टाइम नहीं रुक पाएगा और यह जल्द से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने रहेगा तो नहीं तो बारिश इसको बहा ले जाएगी, जो कि पुराने सरकारी पैसे का एनिकट तोड़ के आनी हुई है और नए सरकारी पैसे को और बर्बाद किया जा रहा है। और मेरा सरकारी जो हमारे BDO साहब है, विकास अधिकारी महोदय, जिला अधिकारी महोदय, उनसे भी ये एक सवाल है कि नाले के अंदर किस अधिकारी ने उसको वहाँ पे सेंसर बनाने दी। यदि यह PWD से काम हो रहा है तो PWD अधिकारी भी इसको संज्ञान में ले और इस कार्य को रुकवाए और एनिकट को बचाए ताकि हमारे लोग आसानी से रहन बसर कर सके और जैसे पहले चलता आ रहा है वैसे चलता रहे। तो ये थे उपसरपंच आकाश अग्रवाल, और भी ग्रामीण है हमारे साथ। दिनेश भाई क्या है पूरा मामला, अभी पूरा मामला है वो उपसरपंच ने बताया, लेकिन जिस तरीके से आप पे संगीन आरोप लग रहे हैं, कुछ लेने देने का मामला बताया, इस वजह से आप आवाज उठा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये तो इल्जाम तो कोई भी किसी पे लगा दे, साबित तो करे। अगर उनके अंदर दम है तो ये साबित करे कि दिनेश कहाँ बिक रहा है, क्या कर रहा है। मैं साबित कर सकता हूँ कि कौन कहाँ बिकता है, मेरे को कोई खरीदने वाला है नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रमाण चाहिए इस चीज़ का कि ये काफ़ी लोगों ने कहा है कि भाई दिनेश बिक जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लोग हैं, लांसर लगाते हैं, लगाने दो, किसी के पास में कोई प्रमाण है तो साबित करके दिखाए, एक बात यह है। दूसरा जो आप पूछ रहे हो कि ये कहाँ से कहाँ का मामला है, ये कृष्णा कॉलेज से कसरा नंबर 1851 का है, ये गैर मुमकिन नाला है, ये चलता है सर 1851 से, ये होता हुआ 1844 वही नड़ा है, ये भी गैर मुमकिन। ये सिंबु दयाल पूर्व सरपंच जो है उसके मकान तक है, उसके खेत तक। कितना लंबा है ये नड़ा? ये करीब 900 कुछ मीटर का है, एक किलोमीटर लगभग, लगभग 1 किलोमीटर का है, और उससे सिंबु दयाल सरपंच से मकान से और पीढ़ी जोहड़ तक ये 1100 मीटर का रास्ता है। तो ये जो कटा हुआ रास्ता है रिकॉर्डेड, उसको तो खोल नहीं रहे, और ये जो खोल रहे हैं ये एक गैर मुमकिन नाले को खोल रहे हैं। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एनिकट बना हुआ है इसको सामने SC का मोहल्ला है, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? बरसात के दिनों में जब पानी आएगा
और वो एक 70 फुट चौड़ाई के अंदर पानी आता है और एक वो 10 फुट के अंदर पानी आएगा, तो ऐसी मोहल्ला बड़ाई मोहल्ला का क्या होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो वो बड़े परेशान हैं। और आज एसडीएम को आपने ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब ने क्या कहा अभी? एसडीएम साहब ने ये कहा है कि हम नाले के अंदर जो हम जांच कर रहे हैं और जांच में ये पाया गया कि ये नाले में काम चल रहा है, तो हम बिल्कुल कतई ये नाले में काम नहीं चलने देंगे, इसको रोकेंगे और जो निर्माण किया गया है उसको हम हटाएंगे और जो एनीकट को तोड़ा गया है उसको भी हम जिसने तोड़ा है उससे बढ़वाएंगे। और ये सारा जो ये सिस्टम जो है भाई ग्राम पंचायत जो करवा रही है, अब ये भी पीछे मुड़ रही है कि साहब हम ग्राम पंचायत से नहीं करवा रहे, तो फिर ये करवा कौन रहा है? आम आदमी थोड़ी करवा रहा है या ये पब्लिक करवा रही है जो खड़ी है जो? तो सबसे मेन बात ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये काम रुके और हम किसी लोगों का रास्ता हम नहीं रोक रहे, जहाँ रास्ता कटा हुआ है वहाँ रास्ता वो बढ़ाएं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई ग्रामवासी को दिक्कत नहीं है। अब ये लोग बोलते हैं कि मेरा वहाँ पर्सनल रास्ता है, मेरी वहाँ ज़मीन है, ना तो मेरी ज़मीन है, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक ग्रामवासी हूँ, अगर कोई गलत काम करेगा तो मैं बोल तो सकता हूँ ना या नहीं बोल सकता, आप बताओ। तो ये बात है। तो ये थे दिनेश चौधरी जो कि आज ज्ञापन में यहाँ पहुंचे हैं, और भी बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम भगवान साहब है। भगवान साहब जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से आज ज्ञापन वगैरह आपने दिया है, क्या है पूरा ये? तो देखो जी, शुरू में ये जब एनीकट बनाना तो रमाकांत जी की सहायता से जो बनाया, क्योंकि ये मोहल्ला में सारा में पानी हो जाए जो निकल पाटे जगह को न मिले जी, है ना, तो उन्होंने ये गाँव मोहल्ले की सुविधा के लिए एनीकट बनवाया। बाद में काश्तकारों ने बताया कि हमें इसे फायदा है, तो फिर 1 लाख रुपया और लगवाया और इसको चौड़ा करवा दिया। अगर पूरा पानी बढ़ेगा तो काश्तकारों को भी फायदा होगा। अभी इन्होंने, आप एनीकट बनवाने में थे क्या आप? हाँ मैं था। मेरे किस समय बना था, कौन सी समय? ये 90 के आसपास बनाया। कौन सी कार्यकारी एजेंसी से बना था ये? अकाल रात के तहत बनाया है। 2 लाख रुपए एक दफा लगाया, 1 लाख रुपए एक दफा लगाया। और आवे ने तोड़ दियो या मोलो तो बहो को सारो जरूर बहो, क्यों पहली तो पानी पूरा हो जाए तो ओवरफ्लो करके ना, अरे एक जगह से पानी निकलेगा तो प्रेशर तो जाएगा, अरे ये दोनों तरफ नाला चाहिए का मोलो तो या जाएगा, खूब बचवाओ काम ही को ना, अगर बना भी देगा तो भी ये टूटेगा तो क्यों ढीला हो गया ये। तो कुछ लोग थे जो यहाँ पर ज्ञापन देने पहुंचे एसडीएम कार्यालय में, एसडीएम को ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब ने उनको आश्वस्त किया है अगर अनलीगल तरीके से कार्य चल रहा है तो उसको रोका जाएगा और उस कार्य को तोड़ा भी जाएगा। सर मैं भी जानना चाहूंगा जो ग्रामीणों ने जो ज्ञापन दिया है वो क्या है पूरा मामला? ग्रामीण उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसमें बताया है कि कोई गैर मुमकिन नाला है, उसमें निर्माण किया जा रहा है, हम मौके रिकॉर्ड पे जाके भी इसका अवलोकन किया है और उसमें पटवारी और तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है कि कौन सा क्षेत्र है, कौन सा नंबर है जो गैर मुमकिन नदी नाला है या रास्ता है। ग्राम पंचायत इसमें जो कार्रवाई कर रही है, वो रास्ता बनाया जा रहा है, उसकी जांच कराई जाकर के इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। निर्माण कार्य वगैरह चल रहा था तो उसको स्थगित वगैरह किया है, क्या है? निर्माण कार्य अगर कोई रिकॉर्डेड रास्ते का दुरुस्तीकरण का है तो वो ग्राम पंचायत कर सकती है, इसके अलावा कोई नदी नाला का जो भाग है उसमें कोई इसी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं कर सकती है। तो ये थे नारायणपुर एसडीएम जी जो बता रहे हैं कि अगर नाले में अगर निर्माण कार्य किया जा रहा है उसको स्थगित किया है और अगर रिकॉर्डेड रास्ते में अगर काम किया जा रहा है तो वो अपने ग्राम पंचायत अपने स्तर से कर सकती है। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।